हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। टीवी सीरियल ये है चाहते के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि काशवी अर्जुन को डांटती है महिमा के साथ इतनी सारी चीज़ें करने पर, जबकि महिमा तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट ही नहीं करती। अर्जुन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है उसे सुनकर। तभी वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम सब कुछ ये सब क्यों करते रहते हो। वो चिल्लाती है, तभी जो वेश है वो गिर जाता है काशवी के पैर पर। सम्राट वहाँ पर आता है और काशवी की मदद करता है और वो उसकी चोट को संभालता है। वो रिकॉल करता है काशवी के साथ अपने शेयर किए गए मोमेंट्स और बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता है। वो कहता है कि तुम इतनी लापरवाह क्यों हो। तभी वो रिकॉल करती है महिमा और प्रद्युम्न की किसके बारे में। इधर वो कहेगा उससे कि तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकती हो बिकॉज़ मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। वो कहती है मैंने प्रद्युम्न और महिमा को रूम में देखा और अगर किसी और ने देख लिया होता तो माँ हर्ट हो जाती और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होती हैं सब कुछ देखकर। तभी वो कहता है तुम बताओ कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। तभी वो उसे इन्फॉर्म करती है कि प्रद्युम्न और महिमा एक दूसरे को किस कर रहे थे। प्रद्युम्न ने इवन महिमा को ज़बरदस्ती किस भी किया। वो सोचता है कि महिमा झूठ बोली थी काशवी से, फॉर श्योर ऐसा मुझे भी लगता है। तभी वो कहती है कि मैं श्योर हूँ प्रद्युम्न अभी महिमा से दूर नहीं रहा होगा। और वो कहता है कि डोंट फरी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो उसकी प्रेस करता है थिंकिंग के, दूसरों के बारे में कितना अच्छा सोचती है। वो कहती है मैं आप पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए जब से आपसे मिली हूँ इसलिए आप मेरा ये जो सीक्रेट है किसी और से मत शेयर करना और मेरा रिलेशनशिप भी। तभी वो कहता है डोंट फरी, हम दोनों के दिल जुड़े हुए हैं। और वो उनको हक करती है। वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, काशवी और नैनतारा की हेल्प करनी होगी इस मामले में। वो डिसाइड करता है प्रद्युम्न को वहाँ से भेजने का। रोमिला यहाँ महिमा से कहती है कि तुम इतनी लेट क्यों हुई हल्दी कपड़े पहनने में। वो कहती है कि लास्ट चांस पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। महिमा उसे कहती है कि अब मैं ये हल्दी कैसे रोकूं। रोमिला उसे कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वो हल्दी का जो बॉल है वो गिरा देती है। महिमा रोमिला के आइडिया को प्रेस करती है। नित्या यहाँ अर्जुन के ऊपर हल्दी लगाती है। रोमिला महिमा की हल्दी सेरेमनी के लिए महिमा को लाती है। महिमा अर्जुन के बाजू में बैठ जाती है। रोमिला हल्दी का बाउल ले लेती है नित्या से और वो फिसल जाती है, हल्दी गिर जाती है काशवी के चेहरे पर। महिमा कहती है ये क्या हुआ, अब वो हल्दी लगाएगी। नैनतारा कहती है कि तुम पागल हो, कोई बात नहीं हल्दी ज़मीन से उठा करके लगेगी, लेकिन हल्दी तो लगेगी। महिमा रिफ्यूज़ कर देती है ज़मीन पर पड़ी हल्दी लगाने से और वो कहती है कि मैं काशवी के चेहरे से अपने चेहरे पर लगा लूँगी। सम्राट उसे डांटता है महिमा को हर्ट करने के लिए, हर उसकी फीलिंग्स के लिए। महिमा कहती है आप हो कौन हमेशा जो मुझे डांटते रहते हो काशवी के लिए। तभी वो कहता है कुछ कहने वाला होता है। तभी महिमा कहती है आप मुझे लेक्चर मत दीजिए क्योंकि आप हमारी फैमिली के मेंबर नहीं हैं। नैनतारा उसे चिल्लाती है डिसरिस्पेक्ट करने के लिए सम्राट को। तभी वो कहती है कि तुम सम्राट से माफ़ी मांगो, लेकिन महिमा मना कर देती है और अंदर चली जाती है। सम्राट प्रद्युम्न से बाहर मिलता है नैनतारा के घर के, उसे चिल्लाता है कि तुम महिमा से अभी भी मिल रहे हो। वो कहता है महिमा बस गेम खेल रही है प्रद्युम्न तुम्हारे साथ। प्रद्युम्न कहता है कि नहीं, महिमा और मैं एक दूसरे से जेन्युइनली प्यार करते हैं। रोमिला सम्राट से कहती है कि काशवी अर्जुन से प्यार करती है और नैनतारा को ये पता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।